बंधुओं, प्रिय मित्रों, आज की कहानी उस समय की है जब मैं नेपाल में था। ये अक्टूबर 1998 की, मैं 2 साल के लिए नेपाल में पोस्टेड था और चेन्नई से सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि उस वक्त सीबीआई में क्राइम ब्रांच के इंचार्ज थे और वहीं राजा जी मार्ग पे स्थित जो सीबीआई की बिल्डिंग थी वहीं पे उनका ऑफिस था, उनका मुझे वहाँ पे संदेश मिला कि वह मुझसे कोई सीन का एग्जामिनेशन करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं उस वक्त वहाँ से आने में समर्थ था। मैंने उनको बताया कि मैं कुछ समय बाद चेन्नई आने वाला हूँ, एक दो दूसरे केस के निमित्त और एक कोर्ट एविडेंस के कारण, तो उस वक्त मैं आपसे इस केस के बारे में डिस्कस कर लूँगा और अभी आप वहीं के डॉक्टरों से, और साथ में आप चाहें तो एक डॉक्टर हमारे डिपार्टमेंट का ले सकते हैं जो भी वहाँ पे ड्यूटी पे होगा, और फिर मैं जब कभी आऊँगा तो आपसे डिस्कस कर लूँगा। भीमलाना गोड बड़े आसानी से एग्री कर गए और मैंने उन्हें अपने यहाँ के 2-3 डॉक्टरों का नाम बता दिया कि इनमें से किसी से आपको आप कॉन्टेक्ट कर लें। घटना जो उन्होंने बताई वो इस प्रकार थी कि एक मनाफ नाफ का व्यक्ति एक मनुरिधि साफिया नाम के लेडी के घर पे फांसी लगा करके आत्महत्या कर देता है। वैसे यह एक साधारण सी घटना रहनी चाहिए थी, इंक्वेस्ट करके पोस्टमार्टम हो जाता और केस बंद हो जाता, लेकिन मृतक ने एक तो ये कि उसने किसी दूसरे का घर चुना आत्महत्या करने के लिए, वो संशय में डालता है। दूसरी जो इसमें कॉम्प्लिकेशन हुई वो इस कारण से हुई कि मनाफ ने जब वो अपने घर में आया, जब साफिया अपने घर में आया तो उसने मनाफ को अपने घर में लटके हुए, छत से लटके हुए देखा। वह पूरी तरह से लटक रहा था और गले में उसने एक बेडशीट उसी कमरे से लेकर के अपने गले से, और जो घरों में एक बल्ली रहती है जहाँ पे लकड़ी के घर बने होते हैं, लकड़ी की छत बनी होती है, तो लकड़ी की बल्ली के साथ उसको बांध करके और अपना गला उस चादर से बांध करके वो लटक गया था। साफिया जब अपने घर आया तो वह ये देख करके घबराया, तो घबराहट में उसने, क्योंकि उसने देखा वो कंप्लीट हैंगिंग थी,
क्योंकि उसके दोनों पैर नीचे जमीन पे नहीं लगे हुए थे, उसकी पूरी बॉडी हवा में लटकी हुई थी और उसके पैरों के नीचे जमीन पे पेशाब के निशान थे। अक्सर कई बार हैंगिंग में एज ए टर्मिनल इवेंट, एक अंतिम क्रिया के रूप में पेशाब या टॉयलेट व्यक्ति का स्फिंक्टर रिलीज हो जाने के कारण आ जाता है। यह आवश्यक नहीं है। हर केस में अगर आप सोचेंगे कि किसी को पेशाब आ जाएगा, निकल जाएगा या टॉयलेट निकल जाएगा, तो ये नहीं होता। पर कभी कभार किसी कुछ केसों में स्फिंक्टर्स रिलीज होने से यह सब हो सकता है। इस सारी परिस्थिति को देख के साफिया जो है वो घबरा गया। उसने तुरंत कल्पना कर ली कि इसने कैसे अपने आप को लटकाया होगा, क्योंकि पास में ही एक टेबल पड़ी थी और एक चेयर पड़ी थी। वह व्यक्ति टेबल पे चढ़ा होगा, ऐसा उसने सोचा कि टेबल पे चढ़ा होगा, और चद्दर जो बेडशीट बेड पे पड़ी थी उसको उठा करके ऊपर बांधा और फिर अपने गले में बांध करके वो लटक गया होगा। लेकिन ये सारी परिस्थिति देख करके वो घबरा गया। यहां मैं आप सबको, नए भगवान चाहे नए किसी के साथ में ऐसी कोई घटना हो, किसी के साथ ऐसी कोई घटना न हो, दुर्भाग्यपूर्ण घटना न हो, लेकिन अभी कभी अगर आप इसके साक्ष्य बन जाते हैं तो आप सीन को कभी भी डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करें। अगर व्यक्ति जीवित है, आप उसकी नाड़ी देख सकते हैं, श्वास चेक कर सकते हैं, और आप श्योर हैं कि व्यक्ति जीवित है या उसमें कुछ जान हो सकती है या रिवाइव करने लायक है, यानी कि उसको उतार के अगर हम रिवाइव कर देंगे, कर सकते हैं, तो उसको उतार लेना चाहिए, तब उतारना चाहिए, क्योंकि जीवन से बड़ी तो कोई चीज़ है नहीं। और जीवन के कुछ भी अगर लक्षण हैं तो आपको उस व्यक्ति पे जरूर प्रयास करना चाहिए कि वो जी जाए, यानी कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन वगैरह। लेकिन जहाँ पे पूरा निश्चित है ये कि व्यक्ति मृत है, वहाँ पे सीन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। यहाँ पे ये साफिया यही गलती कर गए, क्योंकि वो कम्प्लीटली, हमारे यहाँ शैतीर बोलते हैं जो ऊपर लकड़ी, बल्ली बोलते हैं कई जगह यूपी वगैरह में शायद, उस बल्ली से जो घर के अंदर छत पे थी उससे वो पूरी तरह से लटका हुआ था। इसलिए उसने सोचा कि लोग मेरे पे शक न करें, उसने तुरंत उसको साइड में लिया और टेबल पे बिठा करके, टेबल पे बैठ करके उसने उसके जो गले का फंदा था वो खोल दिया, और खोल करके जो टेबल के साइड में चेयर पड़ी थी उस चेयर पे बैठा दिया, और उसके बाद वह उसको घसीटते घसीटते करीबन 55 मीटर दूर कोकोनट के बाग में ले जाके उसने कोकोनट्स के पेड़ों के बीच में छोड़ दिया। अब सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। अब बॉडी मिली, जब पुलिस आई तो बॉडी उनको कोकोनट के बाग में मिलती है। अब उनको ये पक्का करना होता है कि ये डेथ इसकी कहाँ हुई है। उसके लिए इंक्वेस्ट की गई, इंक्वेस्ट के लिए पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम वहाँ त्रिशूर, क्योंकि एरिया त्रिशूर के एरिया में आता था, केरला के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में आता था, तो त्रिशूर के जो मेडिकल ऑफिसर थे उन्होंने उनका पोस्टमार्टम किया, और पोस्टमार्टम में उन्होंने कहा कि इनके गले में एक लैगेचर मार्क है
और वो चद्दर जो है वो ले गए थे उसके पास में, तो उसने कहा कि ये मुझे हैंगिंग का केस लगता है। लेकिन पब्लिक, रिश्तेदार और कोई भी इस बात से कन्विंस नहीं कर पा रहा था कि अगर उसने अपने आप को हैंग किया है तो वह 55 मीटर दूर कमरे से, घर से जाकर के कोकोनट के खेत में कैसे पड़ा। और उसी प्रोसेस में जब वो उसको घसीट के ले गया था तो कुछ चोटें भी उसके शरीर पे इधर उधर आ गई थी, तो वो चोटें भी हालांकि मृत्यु के पर्यंत की बाद की थी, लेकिन यह पर्याप्त था उनके रिश्तेदारों को शक में डालने के लिए कि किसी और चीज़ से इसको मारा न गया हो। और इसी कारण श्री पी मलाना गॉड ने मुझे फ़ोन किया था, और उसी कारण मैंने अपने यहाँ के एक डॉक्टर को डिप्यूट किया था, कहा था कि उनकी रिक्वेस्ट है तो चले जाएं। पोस्टमार्टम के बाद इसका एक्सप्लेनेशन लेने के लिए उन्होंने पूछा था, हमने कहा भी एक बोर्ड बना दीजिएगा, तो उन्होंने एक बोर्ड बनाया और उस बोर्ड में एक काफ़ी सीनियर फॉरेंसिक के प्रोफेसर हुआ करते थे साउथ में, जिनका नाम था जीआर भास्कर। तो जीआर भास्कर को, जो कि बेंगलोर में उस वक्त डेक्कन मेडिकल कॉलेज में, दक्षिण मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे, उनको बुलाया गया। एक नाम वो रखा गया, वो हैदराबाद में थे, बेंगलोर नहीं, हैदराबाद में थे, और दूसरे डॉक्टर बेंगलोर से एक बुलाए गए जो प्रोफेसर थे वहीं पे एक मेडिकल कॉलेज में, बेंगलोर में, जो बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे एक उनको बुलाया गया, और तीसरे डॉक्टर हमारे यहाँ से एक डॉक्टर शर्मा, लेट डॉक्टर शर्मा, जिनकी मृत्यु हो गई अभी कुछ साल पहले, तो उनको नॉमिनेट, उसको उनको बुलाया गया। इन तीनों ने वहाँ पे जाकर के और ये कंफर्म किया पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख करके, और फोटोग्राफ्स वगैरह थे, जो वीडियोग्राफ वगैरह थे उसके पोस्टमार्टम के, कि उनको लिगेचर मार्क तो गले में है और एडिशनल जो इंजरीज हैं वह पोस्टमार्टम है, वो एंटीमार्टम नहीं है, बिफोर डेथ नहीं है। इसके बाद उन्होंने इस केस को, और उन्होंने जो विसरा वगैरह तब तक रिपोर्ट आ गई थी वो सब कुछ नेगेटिव था, तो और जो कमरे की ऊंचाई थी वह थी 7 फुट 9 इंच के आसपास, और वह उसकी खुद की हाइट थी 5 फुट 6 इंच, और लिगेचरों को कंसिडर करते हुए जब ये देखा गया कि हाँ ये पॉसिबल था कि अगर वो टेबल के ऊपर खड़े होकर के उस लिगेचर से, यानी कि उस चादर से लटकता है जो कि काफ़ी लंबी होती है, तो वो पूरी तरह से सिर्फ धरती से 2 इंच ऊंचे तक रह करके लटक सकता है, क्योंकि वैसे ही पाया गया था कि जब देखा गया था पहले तो उसके पैर की उंगलियां पृथ्वी से, सॉरी फ्लोर से सिर्फ 2 इंच ऊपर थी, तो यह भी संभव था। तो इस तरह की उनके सारी ये रिपोर्ट बनाई, और उन्होंने कहा कि साहब यह हैंगिंग से संभव है, एक तो लिगेचर मार्क टिपिकल हैंगिंग का है जैसा हैंगिंग में डिस्क्राइब किया जाता है, एनसर्कलिंग द नेक और अपर पार्ट ऑफ द नेक, ऑब्लिकली प्लेस्ड, पार्चमेंटाइज्ड, और वो सब जैसे फाइंडिंग होती हैं एक हैंगिंग के केस में, वो सब थी जो सपोर्ट करती थी कि यह एक हैंगिंग का ही केस है, स्ट्रेंगुलेशन या और किसी कारण से नहीं है। खैर उसके बाद में मैं बीच में आया, कुछ एक दो केस और उनके पेंडिंग थे, तो बीच बीच में से मैं आता रहता था। 2 साल मैं हालांकि वहाँ पे रहा, लेकिन विभिन्न केसों में, तरह तरह के केसों में जो गवर्नमेंट्स के थ्रू
सीबीआई वाले या कभी कभी पुलिस वाले मेरे को रिक्वेस्ट भेज देते थे वहाँ की अथॉरिटीज़ को, तो फिर मेरे को परमिशन मिल जाती थी और मैं यहाँ आके देख जाता था। अक्सर यह परमिशन ली जाती थी कोर्ट केस, कोर्ट एविडेंसेस के केसेस में, लेकिन कोर्ट एविडेंसेस के आने के साथ में ही इन केसों को भी टैग कर दिया जाता था, जिससे कोर्ट एविडेंस दे करके ये सब काम निपटा करके मैं वापस चला जाता था। पूरे साल मैं यही करता रहा और शायद ही कोई एक महीना ऐसा रहा हो जिसमें मैं वहाँ से हिंदुस्तान के लिए 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए नहीं आता रहता हूँ। ये मेरे लिए अच्छा था, मेरा मन वहाँ लगा रहता था क्योंकि वो बहुत एकांत में जगह थी। फिर उनसे डिटेल में इस केस की बात हुई जब मैं उनसे मिला पर्सनली, पी एम मौलाना गौड़ को, और फिर उन्होंने फाइल दिखाई तो हमने कहा मैं इन सबसे एग्री करता हूँ जो भी इनकी फाइंडिंग्स हैं, और वस्तुतः वह सब उसी तरह से था जैसा उन्होंने जी आर भास्कर की टीम ने उसमें अपना ओपिनियन दिया था। और फिर उसके बाद में इस केस को एज ए सुसाइड बंद कर दिया। तो यह थी कहानी त्रिशूर के, केरला की, और जो साउथ के सीबीआई के जो क्राइम ब्रांच के सुप्रिंटेंडेंट पुलिस जो पी मलाना गौड़ साहब जिसको देख रहे थे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए केस के साथ।